जब लालू यादव अपना छोटा बेटी से वो लड़की की शादी जब लालू यादव अपना छोटा बेटी से वो लड़की की शादी राजनीति में कभी शब्दों की मर्यादा को पार किया जाता है तो कभी वही मर्यादा तार तार हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। बड़ा बयान देखने को मिल रहा है बिहार के गलियारों से। जी हां, जेडीयू के विधायक ददन पहलवान ने बेबाक होकर अपनी बात को रखा है और अगुवाई कर रहे थे ये यदुवंशी परिवार की, यदुवंशी खानदान की और यदुवंशी चाल चरित्र और कल्चर की। खैर, इस बयान के बाद शायद वापस से वो माफ़ी मांगेंगे लालू यादव से। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार में एक तलाक चर्चा में था और उस तलाक में जो दो शख्सियत थे वो लालू परिवार से थे। जी हाँ, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी दरोगा प्रसाद राय के पोती ऐश्वर्या राय से और अचानक से उन्होंने 6 महीने के शादी का तलाक अर्जी डाला था कोर्ट में, जिस पर सुनवाई चल रही है। लगातार जिस तरीके से तेज प्रताप कह रहे थे कि मैं तलाक लेकर रहूंगा, ऐसे में जेडीयू विधायक ददन पहलवान ने एक बड़ी बात कही है जो अब मर्यादा को पार कर रहा है। जी हाँ, ददन पहलवान ने कहा है कि जब भी घर के बड़े बेटे के साथ कोई हादसा हो जाता है या बड़ा बेटा साधु संत के लिबास में चला जाता है तो उस घर की बहू का इज्जत बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए उस घर की बहू की शादी घर के छोटे बेटे से कर दी जाती है। लालू यादव जब ले बने हैं तब ले हम भी जानते हैं। एक पान के दुकान है आपका डाक बंगला चौराहा पर, वहाँ जाते थे, गाड़ी पर बैठे पान मंगाते थे। तब पान मंगाते समय 10-5 आदमी तो हर जगह कहीं जुट जाता है। अब यही मान लीजिए कि हम जहाँ पर चल जाएंगे तो हमारा के 10-20 आदमी घेर लेता है। तो लालू यादव तो एक कलाकार हैं, माहिर आदमी हैं, हमारा जाति के मशहूर नेता है। मगर उनमें हम एक आग्रह करेंगे लालू प्रसाद यादव जी से कि हमारी परंपरा रही, एक परंपरा में एक उनसे मिक्स हो रहा है। हमारा अपना एक बड़ा बेटा के शादी किए एक यादव परिवार के मशहूर खानदान से, जो दरोगा बाबू को पूरे बिहार में पहला मुख्यमंत्री बने, उनके पोती से इनकी लड़का का शादी हुआ। तो इनका लड़का साधु महात्मा हो गए तो बच्चा लड़का से ही इनको शादी कर देना चाहिए। यह परंपरा है हम लोग कि यदि कोई लड़का साधु बन जाता है या कोई प्रकार के घटना घट जाता है, घटना घट जाने के बाद यदि उस परिवार में यदि लड़का छोटा रहता है तो छोटा लड़का से शादी करके बहू के लाज और इज्जत को बचाया जाता है। तो हमारे यादव परिवार की बेटी और यादव परिवार का मान सम्मान इज्जत तभी बचेगा जब लालू यादव अपना छोटा बेटी से वो लड़की की शादी कराए। तेजस्वी की शादी होनी चाहिए उनसे। अब आप परंपरा है हम लोग के जाति परिवार में, जाति परिवार में लालू यादव अभी आगे हैं तो हमारी बेटी की इज्जत अब लालू यादव के हाथ में। नहीं दादा जी, आप खुलेआम बोलने के लिए बड़ा मशहूर है, तेजस्वी की शादी होनी चाहिए दुर्गा जी के। अरे परंपरा चलता है कि हमारा छोटा परिवार में कोई बड़ा लड़का हो, बड़ा लड़का की किसी प्रकार की घटना घट जाए या कोई साधु हो जाए तो उस छोटा पुत्र से शादी करा दिया जाता है। परंपरा है पूरे बिहार की, देसी के नहीं जानते मगर बिहार के जानते हैं कई कई घटना में ऐसा काम हुआ है। इसलिए हम तो आग्रह लालू परिवार से करेंगे कि वह बेटी अब कहाँ जाएगी जब हम आपके घर में नहीं रहेगी, कहीं जाएगी तो जीवन भर अपमान सहेगी। इसलिए लालू यादव यदि यादव परिवार के सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं तो छोटा पुत्र से शादी कराने का जरूर इसका काम करें, तभी हमारा यादव परिवार का इज्जत मान सम्मान बचेगा और यादव परिवार में ही जाने लायक रह जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। एक सवाल, सिवान में भी करीब करीब दर्जनों के लोग मार दिए जाते थे, उस समय समझिए कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो हमारा मुख्यमंत्री अच्छा है कि इनके टाइम में कोई नरसंहार हुआ, न कहीं दंगा हुआ, न गरीब लोग मारे गए, न अमीर लोग मारे गए। इसलिए यह मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। सर, आपके चुनाव को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि आप डुमराव बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या माना जाए कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? विपक्ष का ये सीधा कहना है कि ददन पहलवान इतना हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो बक्सर से चुनाव लड़ सके। देखिए, हमारा हिम्मत के बारे में सारे लोग जानते हैं, जगता सिंह भी हमारे हिम्मत के बारे में जानते हैं, अब पहले शिवानंद तिवारी जी भी लड़े हमारे हिम्मत के बारे में जानते हैं। हिम्मत की बात नहीं, हमारा है
एनडीए में कि हम चुनाव जीतेंगे, हम यदि हम मान लीजिए कि हम आपकी मन बनाए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और लोग की इच्छा भी है, अब बाहरी लोग के हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता आपकी बर्दाश्त नहीं करेगा, बाहरी लोग के लोग को कोई वोट नहीं देगा, इसलिए बाहरी लोग प्रसन्न नहीं है। आज जगता सिंह के भी लोग देख लिए हैं, पाँच साल के अंदर, पाँच साल में कहीं किसी को काम नहीं किए, ना कहीं गए, ना कहीं कोई पुछार में गए, आज तो दुआरी दुआरी घूम रहा है, ददन यादव के देना है। और आपसे आपका जो हमारा एनडीए में जो उम्मीदवार है आप लोग जानते हैं, बाहरी उम्मीदवार के कोई लोग लाइक नहीं करेगा, हम एनडीए के सारे गठबंधन से आग्रह कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि आप लोग इंक्वायरी कराइए, जांच कराइए, हमारा पर्सनल 2 लाख वोट है, एक चुनाव नहीं, तीन तीन चुनाव से हम चुनाव में सेकंड स्थान 2004 में भी थे, 2009 में हम 8,000 वोट से हारे चुनाव, निर्दलीय जब चुनाव लड़े थे, आज जब मोदी जी के लहर चला तभी 1,85,000 वोट है, या हमारे जाति के यहाँ पर 3.5 लाख करीब करीब वोट है, हमारे जाति से ज़्यादा वोट यहाँ पर कहीं नहीं। पहले ही लोग कहते थे ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र जब था, जब इसमें शाहपुर था और शाहपुर के साथ साथ आपका जगदीशपुर भी था, तो जगदीशपुर और शाहपुर मिल के 1,35,000 वोट घट जाने के बाद यहाँ पर वोट की स्थिति हमारा मजबूत है, या हमको टिकट देना चाहिए, हम चुनाव जीतेंगे और देश के बहादुर आपका नरेंद्र मोदी के समर्थन करके फिर से प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। किस दल से टिकट मिल रही है? किस दल से टिकट मिल रही है? अरे टिकट तो मिलेगा ही, जब हमारे बारे में हम में दम है, हमारा जनता हम पर विश्वास करता है और जनता हमको लाइक करता है, अभी तो सारी जात बिरादरी के लोग कह रहा है कि ददन यादव को एक बार देखना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर लालू यादव को हिदायत दी है, ये बात उन्होंने शुरू की थी पान की दुकान से। आपको याद होगा कि एनडीए की रैली थी 3 मार्च को, जिसके में भीड़ पर आलोचना करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इससे ज़्यादा भीड़ तो मैं पान की दुकान पे लगा देता हूँ। इस मुद्दे पर जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो बेबाकी में उन्होंने लालू परिवार पर जो कलह चल रहा है तलाक को लेकर, उस पर अपनी बात बेबाकी से रखी और बहुत कुछ कह दिया, शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया। खैर, अब इस पर जेडीयू कैसे सफाई देती है, क्योंकि मर्यादा की बात करती है, जेडीयू संस्कार की बात करती है, जेडीयू और बिहार में जेडीयू की सरकार है और एनडीए में जेडीयू का गठबंधन है। खैर, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बेबाकी से अपने बात को तेज प्रताप भी रखते हैं और इस तरीके के बात कर जहां रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं जेडीयू विधायक ददन पहलवान, इस पर आरजेडी कैसे प्रतिक्रिया देती है और विपक्ष के साथ सत्ता कैसे इस पर मलहम लगाने का काम करता है। अब जुड़े रहे भारतलव टीवी के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।